सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी. स्वीट ट्रुथ. स्वीट मतलब मीठा, ट्रुथ मतलब सच्चाई, तो मीठी सच्चाई. इट वॉज लायंस बर्थडे. ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स वेंट विद गिफ्ट्स फॉर द किंग्स टेन. तो लायन के बर्थडे के लिए सारे एनिमल्स क्या लेके जा रहे थे? गिफ्ट्स. और लायन कहाँ रहता है? इन अ डेन. एट द डेन ऑल द अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड. और पार्टी के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए डेन में सारे अरेंजमेंट किए हुए थे. द किंग हैड इन्वाइटेड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स फॉर अ ग्रैंड फीस्ट. वॉट इज फीस्ट? पार्टी. ठीक है, तो किंग ने सारे एनिमल्स और बर्ड्स को इन्वाइट किया हुआ था पार्टी के लिए. ग्रैंड पार्टी मीन्स बिग पार्टी. ऑल वो प्रेजेंट देयर. और सारे एनिमल्स वहाँ पे प्रेजेंट थे. एट द फिक्स टाइम द केक वॉज कट. देन एवरी वन सैंग द बर्थडे सॉन्ग एंड इन्जॉयड द फीस्ट. सब ने फिक्स टाइम पे केक काट लिया, सब ने बर्थडे सॉन्ग गाया और पार्टी को इन्जॉय करा. आफ्टर द पार्टी द लायन नोटिस दैट ऑल हैड कम एक्सेप्ट द डोंकी. ही थॉट मे बी सम अर्जेंट वर्क हैज़ केप्ट हिम बिजी. तो लायन ने क्या सोचा कि डोंकी को कोई अर्जेंट वर्क आ गया होगा. डोंकी कौन होता है? डोंकी जो होते हैं, कौन होते हैं? गधा. ठीक है, जो लगम आगे. हाँ, तो लायन ने सोचा कि डोंकी को कोई काम आ गया होगा, वो बिजी होगा इसलिए नहीं आया. द नेक्स्ट डे व्हेन द लायन मेट द डोंकी ही आस्क्ड हिम अबाउट इट. तो जब नेक्स्ट डे लायन मिला डोंकी को तो उसने पूछा कि क्या अभी आया निकल पार्टी पे. द डोंकी रिप्लाइड ओ आई डोंट लाइक अटेंडिंग पार्टीज. देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम सो आई स्टेड बैक एट होम एंड रिलैक्स्ड. तो डोंकी ने कहा कि मेरे को पार्टीज करना पसंद ही नहीं है, मुझे तो घर पसंद है क्योंकि घर जैसी और कोई जगह होती ही नहीं है. मैं तो घर पे रह के रिलैक्स कर रहा था. इन एंगर अब लायन को चढ़ गया गुस्सा. द लायन बैनिश द डोंकी फ्रॉम द जंगल. बैनिश का मतलब होता है निकाल देना. तो लायन, क्योंकि लायन इज़ अ किंग ऑफ जंगल, तो जंगल में लायन का रूल चलता है, जो लायन कहेगा वो सारे एनिमल्स को मानना पड़ता है. तो लायन ने डोंकी को जंगल से बाहर कर दिया, आउट कर दिया. सिंस देन द डोंकी हैज़ लिव्ड विद मैन एंड कैरिड देयर लोड्स. अब वो कह रहे हैं बेचारे डोंकी तभी से जंगलों में नहीं रहते, वो हमारे ह्यूमन बींग्स के साथ रहते हैं और हमारा बोझा उठाते हैं, लोड उठाते हैं. ठीक है, जैसे ये डोंकीज लोड उठा के घूम रहे हैं ना, तो इनको यूज़ किया जाता है ईंटें ढोने के लिए, रेता मिट्टी ढोने के लिए. मॉरल क्या है? इंश्योर दैट योर ट्रुथ डज नॉट इंसल्ट अदर. तो इस मॉरल, इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिलता है कि सच तो बोलो, बट सच ऐसे बोलो कि दूसरे की फीलिंग्स हर्ट ना हो. हम कहते हैं ना हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, पर सच भी ऐसे बोलना चाहिए कि किसी दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट ना हो. किस तरीके से बोलो, अपनी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए बोलो. इसलिए कैप्शन है स्वीट ट्रुथ. ठीक है.